हेलो गाइस, ओके, हाउ आर यू ऑल? यू आर फाइन? ओके, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं आदित्य खमंगने सा, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अपन कैसे पता लगा सकते हैं HCF और LCM का, ठीक है? फाइंड HCF, HCF एंड LCM। अब इनका पहले इनकी फुल फॉर्म पता कर लेते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन, सॉरी फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर अभी एलसीएम की लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, ओके। यार राइडिंग थोड़ी ख़राब आई क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, ठीक है? तो समझ में आ गया ना, लिस्ट HCF जो कि हाईएस्ट है, मतलब सबसे बड़ा है, और कॉमन भी है सभी में, और फैक्टर है उन सभी का। मतलब जैसे कि मैंने इन तीनों का नंबर ले लिया, इसमें क्या है हाईएस्ट क्या है, जैसे कि इन तीनों का फैक्टर ले लिया मैंने 12 का, इसमें हाईएस्ट क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? जब तक आप सोचो यार, जब तक मैं इस पॉइंट तक आ नहीं जाता तब तक आप सोचो, ठीक है? IFTI। तो चलो आज से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है रियल नंबर्स का, एक्सरसाइज 1.1, आई थिंक 1.1, यस 1.1। तो वीडियो शुरुआत करते हैं अभी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, 12, 15 एंड 21 का हमें क्या करना है, LCM एंड HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है, ठीक है? वही एक मतलब है। तो चलो पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के बाद में अपन आते हैं, फिर अपन इनको इस ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है? समझ गए ना, इतना तो आपको आता है यार, सिक्स से सीखते आ रहे हो, ठीक है? फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर LCM कैसे निकालते हैं, है ना? प्रॉब्लम है यार, है ना? LCM अपने ना देखो, LCM अपन 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, 6th में भी पढ़े हैं, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर रिवाइज करने के लिए। देखो इधर थोड़ा अलग सिस्टम होगा, लीस्ट को मतलब LCM में से क्या करना पड़ता है, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ गए ना? लीस्ट क्या है, लिस्ट सभी में 3 आता है ना, लिस्ट ये सभी है लिस्ट यार। फिर कॉमन क्या है, कॉमन इधर 3 आ रहा है, कॉमन सभी में 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, है ना? तीनों में 3 आ रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे हम। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा 3 को हम एक बार लिखेंगे। फिर हमारे बाद में 2 कितने रिमेनिंग 2 है, तो 2 बार 2 लिख देंगे हम। फिर 5 और 7 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 5 = 60, और 60 × 7 = 420, 420 है ना, ठीक है? मैं लिखता हूँ 420 लिख दिया है, तो 420 अपना आ जाएगा LCM। मतलब जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनको तीनों को जो लीस्ट कॉमन है उनको मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा वो क्या होगा, LCM। थोड़ा इसको सही से लिख देता हूँ ना, H2O लिख रहा है, अरे वाटर नहीं है यार, ठीक है? फिर आगे पढ़ते हैं। फिर अभी HCF, मैंने आपको पता है ना स्टार्टिंग के वीडियो के अंदर क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है और कॉमन भी, और वो क्या है, मल्टीपल है सभी का। तो आपने क्या है, यस ऑफ कोर्स 3, सही कह रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3, ठीक है? वेरी गुड, आपका सही है, ठीक है? तो इस एक जो नीचे दे रखा है मैंने, ये होमवर्क है यार, इसको होमवर्क कर लीजिए। ये सेकंड पार्ट है, देखो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट ही होमवर्क है। इसका अगला सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा जिसका पार्ट #नंबर 2 वीडियो आएगा रियल नंबर्स का, ओके? तो तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू गाइस।